हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मजा आ रही होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मौसम काफी अच्छा है, काफी सुहाना है, क्योंकि आज हो रही है बारिश और इतने दिन के बाद इतने अच्छे से खुल के बारिश हुई है। सो फैमिली, चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। और यहाँ दिन में सुबह सुबह मतलब एल्विस जग गुड जाते हैं। जब मॉर्निंग, मैं जगती हूँ तो एल्विस गुड भी जग जाते मॉर्निंग, हैं, और एल्विस को गुड मैं करती मॉर्निंग, हूँ गुड मॉर्निंग विश। तो यहाँ पे देखो, एल्विस गुड मतलब इतना मॉर्निंग। एक्टिव रहते हैं, मॉर्निंग में भी उठते हैं तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और स्माइल तो उनके फेस पे नहीं, गुड मतलब मॉर्निंग नहीं हो रहा, हमेशा गुड रहता है। मॉर्निंग नहीं हो और रहा। मतलब एल्विस ना ऐसे बच्चे हैं कि इनको अगर कुछ भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो या भूख ना लगी रहे तो जल्दी रोते नहीं हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये हैं हम। और देखो यहाँ पे बाहर कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई होती है। बारिश तो मतलब काफ़ी टाइम से हो रही होती है, तो इसलिए मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे बारिश तो हो रही थी, एक दो बार बारिश हुई थी, पर उतने अच्छे से नहीं हुई थी। और नहीं तो उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बारिश हुई है। लेकिन आज तो देखो कितना एकदम खुल के बारिश हुई है, पूरा पानी पानी भी पूरा दिखाई दे रहा है। तो मौसम काफ़ी ठंडा होता है, तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ के और आ जाते हैं नहा धो के। उसके बाद यहाँ पे देखो एल्विस हैं जो कि अपने चाचू के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे एल्विस खेलते हैं, तो इसलिए हम सोचते चलो जल्दी उठ गए हैं तो इधर नहा धो के कर लें पूजा। तो यहाँ पे फिर हम क्या पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करना हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और हमें जब भी समय मिलता है हम जल्दी उठ जाते हैं। एल्विस नहीं परेशान कर रहे हो तो हम नहा धो के इधर कर लेते हैं पूजा पाठ, और बाकी वैसे शाम को भी कर लेते हैं। अगर कभी ऐसा होता है मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं तो शाम को करते हैं पूजा। बट यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए करते हैं पूजा। और इसके बाद जहाँ मेरा पूजा फिनिश होता है, इसके बाद इधर हम आ जाते हैं किचन में करने के लिए किचन का काम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना, और एल्विस होते हैं जो कि बाहर खेल रहे होते हैं। सोमे भी जग गई होती हैं, तो सब लोग मतलब बाहर वाले रूम में होते हैं, मैं इधर अंदर होती हूँ। तो ये सोचती हूँ कि चलो जब तक ये लोग बाहर हैं लाओ मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम। और इसके बाद इधर मैंने मतलब खाना फिनिश करके इधर दूध और बिस्किट वगैरह लेके आ जाती हूँ अभी हम लोग एलिस को सो कर खिलाने के जाओ, लिए। और ऐसे यहाँ बोलो देखो घर देख सौम्या के क्या देखियो बोल ना। रही हैं। बस यही बोलोगी अभी? क्या बोले थे? अभी हम लोग उठे हैं ब्रश के, फिर लोगों ने दोगा। अभी हम लोग उठे हैं, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बारिश हुआ थी। हाँ, मेरे को चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और प्लीज। तो यहाँ पे ऐसी ही सौम्या की मस्ती चलती रहती है। तो जहाँ भी वो कैमरे के सामने आती हैं तो ये बस यही बोलती रहती है, मम्मी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस प्लीज़, अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं एल्विस को जब ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा देर एल्विस खेलते हैं, और इसके बाद मैं करती हूँ इनका मालिश और एक्सरसाइज। तो अब तो दिन पे दिन एल्विस बड़े हो रहे हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनके नखरे भी थोड़े से हो रहे हैं कि मालिश नहीं करवाना, एक्सरसाइज नहीं करवाना, थोड़ा सा रोना गाना, तो इस टाइप की हरकतें उनकी होती रहती है। पर मैं फिर भी कुछ नहीं मानती हूँ, मैं तो करती हूँ। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे मालिश कर देती हूँ, इसके बाद ये सो जाते हैं। फिर सो के जब उठते हैं कुछ समय बाद, तो यहाँ पे मैं ले जाती हूँ उनको नहलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहला देती हूँ, सौम्या को भी नहला देती हूँ और एल्विश को भी नहला देती हूँ। इसके बाद ये देखो तैयार होके आ गए हैं छत पे अपने रूम में। तो यहाँ पे ये लोग करते हैं मस्ती, खेलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दोपहर का टाइम होता है कि थोड़ा देर तक ये सो जाए, आराम करें, ताकि मुझे भी करना होता है थोड़ा सिलाई वगैरह का काम। तो इस चक्कर में आई देखो सौम्या चुरा के पाउडर लगाती है, तो उसके हाथ में लगा ही रहता है। और इसके बाद यहाँ देखिए बारिश बंद हो जाती है और हल्का फुल्का मतलब मौसम भी सही हो जाता है। फिर क्या, यहाँ सौम्या और एल्विस दोनों लोग सो जाते हैं। तो
तो एल्विस सो रहे हैं, तो इसलिए हम सोचे चलो हम थोड़ा सा कर लेते हैं सिलाई और बन जाते हैं टेलर। यहाँ पे हमें करना है सिलाई, और वैसे तो हमें टाइम मिल नहीं पाता क्योंकि घर के काम हो जाते हैं, फिर एल्विस की केयरिंग हो जाती है, तो फिर सिलाई वगैरह के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी मिला है टाइम क्योंकि अभी ये लोग सो रहे हैं और अभी ये कुछ समय तक सोएंगे, तब तक हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं सिलाई का काम, कर लेते हैं कटिंग। और इसके बाद क्या, यहाँ पे ब्लाउज होता है जो फिर हम सोचते हैं कि चलो जब तक ये लोग सो रहे हैं अलाव हम कटिंग कर ले, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही दिन में काट ले और एक ही दिन में सिल ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है हम थोड़ा देर में ही मतलब कुछ कर रहे होते हैं तभी एल्विस जग जाते हैं, तो फिर क्या ये लोग सो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि लाओ जल्दी जल्दी कर लेते हैं इधर कटिंग। और जानते ही होगा इस सिलाई में सबसे मेन तो कटिंग होता है, कटिंग आराम से और अच्छे से करना चाहिए। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे मतलब शाम हो जाती है तो ये सब दोनों लोग उठ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं शूज़ खोल के एल्विस का कर मतलब एल्विस को कराने लगती हूँ वॉक। तो बताओ धमचका 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 धमचका, हाँ बताओ। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये कमरे में आके कर रहे हैं मस्ती, तो सब मस्ती करते हैं तो मुझे भी इनके साथ काफ़ी अच्छा लगता है, मैं भी इनके साथ काफ़ी खेलती हूँ। और मतलब ये ना चीज़ों को कॉपी करते हैं, कुछ भी मैं एल्विस को बोलती हूँ वैसे करती हूँ। इनफैक्ट वो सौम्या के मूवमेंट उसके हरकतें को बहुत ध्यान से देखता है, उसको कैच करता है, तो इसलिए मैं सौम्या को भी समझाती रहती हूँ कि मतलब भाई के सामने अच्छा मतलब क्या करो, गुस्सा मत क्या करो, ताकि भाई अच्छा बच्चा बने आपकी तरह। तो वो काफ़ी कहते, देखो मैं उसके साथ मस्ती कर रही हूँ तो वो भी ऐसे मस्ती करते हैं। और इसके बाद क्या, इसके बाद टाइम हो जाता है डिनर बनाने का, तो फिर वही मतलब थोड़ी देर के बाद वो एल्विस हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगती हूँ डिनर। तो डिनर में नॉन वेज आया होता है तो वही हम बना रहे हैं फिश। और इसके बाद क्या, सौम्या जो है वो फिश को ग्रेवी में नहीं खाती हैं, सिर्फ फ्राई वाला खाती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए फ्राई दो पीस निकाल देती हूँ उनको खिलाने के लिए। और वैसे मैं सौम्या को फिश वगैरह बहुत कम खिलाती हूँ, बट उसका मन कर रहा था और वो जिद कर रही थी मम्मी मुझे फ़िश खाना है, तो मैंने इसलिए अपने हाथों से उसको खिला दिया। और इसके बाद क्या, यहाँ खाना खाने के बाद दोनों बच्चे लोग सो जाते हैं और इसके बाद हम भी जाते हैं आराम करने। और यहाँ पे गाइस ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग, कैसा लगा बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।